हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, आज मैं आपका टॉपिक जो लेके आया हूँ वो आया हूँ सेफ अटेम्प्ट्स इन आईबीपीएस पीओ। तो गाइस, बच्चों के जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, जो मेरे इंस्टा पर मैसेज आ रहे हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि सर कितने अटेम्प्ट सेफ होंगे कि जिससे हमारा क्या होगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जो हमने क्लर्क में हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 90+ कर दिए बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो गाइस आपने एक चीज देखी होगी, अगर आपने आईपीएस क्लर्क में 90+ सिलेक्शन मतलब 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें आपने एक गलती की है एक्यूरेसी की। मैंने आपको हर सेशन में बोला है और मैंने हर सीरीज में आपको बोलता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी के साथ अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है, आपके हाई है। आपको इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये एक डिपेंड और करता है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जब बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ देखो उसमें क्या डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी डिपेंड करती है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल जो आपका है नॉर्मलाइजेशन। ये भी तीन चीजें हैं। अब देखो, जब लास्ट ईयर की बात करूँ तो मैं कट ऑफ हमारी देखो, जब मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेरी कट ऑफ गई थी 50 के आसपास गई थी जनरल की। उससे पहले जो मेरी कट ऑफ गई थी वो गई थी 58। तो आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट ना होकर क्या हो गया, डिक्रीमेंट हुआ है। इस चीज का भी याद दो, ध्यान रखना। अगर आप 60+ क्वेश्चन भी अगर 100 मैं देखो, अगर आपने 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए विद 100% एक्यूरेसी तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। बट आप वो एक वैसा स्टूडेंट हो जो 80+ अटेम्प्ट कर रहा है बट उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। बट एक ऐसा स्टूडेंट है जो 60+ कर रहा है बट उसकी एक्यूरेसी क्या है, 100% है, तो उसका सिलेक्शन क्या होगा, हाई होगा। उसके चांसेस क्या होंगे, हाई होंगे। तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, जब भी पेपर को अटैम्प्ट करो, उसको स्पीड के साथ साथ आपको क्या करना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। ये चीज़ आपने भुगत चुके हो ऑलरेडी आईपीएस क्लर्क में, तो ये मत करना कि नंबर ऑफ हाई अटेम्प्ट्स करने के चक्कर में आप क्या करो, अपनी एक्यूरेसी खराब कर लो। ठीक है, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो उसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना, पेपर जैसे आप इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, जितने भी मॉक में आपके जो मॉक में मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे शेयर जरूर करना गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।